गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा जनता सब जानती है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 15 महीने क्या किया। मिश्रा ने कहा जनता उपचुनाव में भी विकास करने वालों का साथ देगी, झूठ का नहीं। मंगलवार को मतदान और मंगलवार को परिणाम के मसले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा सब मंगल होगा, हम भी हनुमान भक्त हैं। उन्होंने कहा जनता सब कुछ समझ चुकी है, विपक्ष खुद भी कह चुका है कि जनता उन्हें जानती है, हम भी कहते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है। घोषणा पत्र में वादा करके मुकरने वाले अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपको 15 महीने का समय मिला था, कुछ तो करते, दो कदम तो चलते। हनुमान भक्त तो हम भी हैं, हनुमान भक्त तो कोई भी हो सकता है, और किसका मंगल है ये हनुमान जी ही तय कर देंगे, ज्यादा चिंता में न पड़े। अगर वो ऐसे मंगल वाले थे तो अमंगल होता ही क्यों। उनका काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता उन्हें अच्छी तरह समझ गई है, उनने भी कहा कि जनता मुझे जानती है। अब तो वो स्वयं अपने आप को जान लेंगे 3 तारीख को, जब परिणाम आएंगे 10 तारीख को, तो वो स्वयं अपने आप को भी जान जाएंगे कि ये पब्लिक है, सब जानती है। अब तो लग गई है वो, और उन लोगों ने जिन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था वो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जो घोषणा पत्र में होने के बाद वादा पूरा नहीं किया। वो आप अचम्मा तो देखिए, फिर से कर्ज माफी की बात वो लोग कर रहे हैं जो 15 माह में कर्ज माफ जिनने नहीं किया। 10 दिन में 2 लाख रुपए माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब अतिथि शिक्षकों की बात कह रहे हैं, ये झूठ पर झूठ बोलने, जनता जानती है इनको। आपको 15 महीने का समय दिया था तो क्यों नहीं किया, कुछ तो करते भाई। अतिथि शिक्षकों के लिए 1 कदम तो चलते, 2 कदम तो चलते। कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा हमें केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और सावधानियां रखना चाहिए। उन्होंने कहा हमारी रणनीति विकास की है और विकास के मुद्दे पर ही जनता हमें चुनाव में विजय श्री देगी, झूठ बोलने वालों को नहीं। रिकवरी रेट तो अच्छी हुई, अगर हमने 7 दिन और परीक्षण में इसी तरह की रही तो हम मानेंगे कि कोरोना का पीक निकल गया, और नहीं रहती है तो पुनर्विचार की आवश्यकता हो। लेकिन ये सच है कि वर्तमान में मास्क ही उसका इलाज है। मास्क हम सब लगाएं, एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना की जितनी सावधानियां गाइडलाइन दी गई हैं केंद्र के द्वारा, प्रधानमंत्री जी को निर्देश है, उसका हमें पालन करना चाहिए। रणनीति तो बहुत स्पष्ट है हमारी, इसमें रोज रोज रणनीति के लिए क्या बैठना। हमारी रणनीति विकास की है, चुनाव जनता हमें जिता ही रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। इनको कैसे जिता देगी जो लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, लिखित में झूठ बोलते हैं, तो इनको कैसे जिताएंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।